नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए तो टेलीग्राम पर आप हमारा ऑफिशियल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरे सेशन की पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज रिलीज्ड अ मैस्कॉट एंड वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट। तो बेसिकली एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, जहाँ पर इनिशिएटिव लिया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा ये लिया गया है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको इस मैस्कॉट का नाम बताना है, परिवेश, विकल्प प्रकृति और कवच। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रकृति। प्रकृति के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक चीज है दोस्तों प्लास्टिक। आपको पता है कि ये रिसाइकल नहीं होता, डिजोल्व नहीं हो पाता, पूरी बात करेंगे। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्चेस मैस्कॉट प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, राइट, पूरी बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके जो यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया इस मैस्कॉट को, जहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ इसका नाम रखा गया है प्रकृति विल स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट स्मॉल चेंजेस दैट कैन बी सस्टेनेबली अडॉप्ट इन आवर लाइफस्टाइल एंड फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। द ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च विल इंश्योर PWM इन द कंट्री, राइट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। द इनिशिएटिव इज इन लाइन विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू फेस आउट सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाय 2022, राइट। तो ये इनिशिएटिव पूरा यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री है देश के, उनके विजन में है पूरा। और ये जो लिया गया है ये फेज सिंगल यूज प्लास्टिक का, ये 2022 तक का ये पूरा यहाँ पर फेज रहेगा, ठीक है, उसको फेज वन के नाम से भी जान सकते हो। तो यहाँ पर मैस्कॉट का नाम ध्यान रखिएगा जरूर से, और किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, कौन है, श्री भूपेंद्र यादव इसके यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द लिमिट ऑफ WMA, दैट इज योर वेज एंड मीन्स एडवांसेस फिक्स्ड बाय RBI फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज विद द इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2022। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बात कर लो या फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है दोस्तों, तो बेसिकली जिस तरीके से मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर पैसे उठाने पड़ते हैं किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो वेज और मीन्स के थ्रू उठाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, इसमें मान लीजिए अगर कोई लोन ले रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो जितने दिन का वो लोन ले रही है अगर उन दिनों में वो रीपे नहीं कर पाती तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। और जो इंटरेस्ट लगता है, जैसे आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, उसी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिजर्व बैंक को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो क्या होता है, रेपो रेट होता है। अगर उन दिनों में, मतलब जो टाइम पीरियड है उसमें लोन को वापस नहीं लौटाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ओवरड्राफ्ट में वो चला जाता है। ओवरड्राफ्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है रेपो रेट प्लस 2%, ठीक है। तो मतलब अभी रेपो रेट जैसे 4% है तो 6% का इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट में लगेगा। तो ये होता है आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस, कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोन पे पैसा उठाती है, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पर अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को क्या चाहिए दोस्तों, अगर लोन चाहिए RBI से, तो उन्होंने ये कुछ लिमिट सेट कर दी है लोन की, ठीक है। तो ये आप देख लो कितने करोड़ है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 47,010 करोड़, ठीक है, पूरी बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द WMA फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम 51,560 करोड़ टू 47,010 करोड़, कंसीडरिंग एम्पावरमेंट इन द पैंडेमिक सिचुएशन। दीज नॉर्म्स विल बी इफेक्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1। RBI raised the WMA limit to 51,560 crore for all the state UTs in October 2021 due to uncertainties related to COVID-19. The higher WMA was applicable in till 31st 2022. अब अप्रैल से क्या हो जाएगा, ये कम कर दिया गया है, ठीक है, ये कम कर दिया गया है, और October 2021 में इसको बढ़ा के 51,560 करोड़ तक पहुंचाया था, अब उसको घटा कर दोस्तों कितना कर दिया है,
47,010 करोड़, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, आफ्टर द मर्जर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड विद एचडीएफसी बैंक, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर्स इन द मर्ज्ड एंटिटी, राइट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 100%। पूरी बात करेंगे, मॉर्गेज लेंडर एचडीएफसी लिमिटेड एंड इट्स बैंकिंग आर्म एचडीएफसी बैंक हैज अनाउंस्ड अ मर्जर, बैंक मेकिंग इट इन द बिगेस्ट मर्जर इन द इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। द मार्केट कैप ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी विल बी अप्रॉक्स 14 लाख करोड़, ट्वाइस एज द साइज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, मेकिंग इट इंडिया सेकंड बिगेस्ट एंटिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। पोस्ट मर्जर एचडीएफसी बैंक 100% ओन बाय द पब्लिक शेयर होल्डर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड will own by 41% of the HDFC bank, right? These shareholder will receive 42 shares of the HDFC for 25 shares of HDFC limited, right? So basically, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एच डी एफ सी लिमिटेड एक मर्जर लेंडर था, ठीक है, मॉर्गेज लेंडर एक ऑर्गेनाइजेशन था, पूरी तरीके से मर्ज हो गया किसमें, एच डी एफ सी बैंक में। एच डी एफ सी बैंक एक बैंकिंग आर्म था किसका, आपका एच डी एफ सी लिमिटेड का, जो बैंकिंग की फैसिलिटीज करता था या फिर मैं बोलूँ सर्विसेज प्रोवाइड करता था, वो तो एच डी एफ सी बैंक, आपको पता ही है। लेकिन एच डी एफ सी लिमिटेड यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता था, मॉर्गेज लोन्स, राइट, मॉर्गेज कुछ रखवाता था, लोन देता था। पूरी तरीके से एच डी एफ सी बैंक ने उसको क्या कर दिया, अक्वायर कर लिया, और ये अक्वायर करने के बाद इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है वो 14 लाख करोड़, मतलब आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे जस्ट डबल, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज से कम। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है वो 18 लाख 1 करोड़ समथिंग कुछ है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस मर्जर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट एंटिटी बन गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पूरी पूंजी, ठीक है, पूरी पूंजी। तो ये बात ध्यान रखना कि इसका जो पूरा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे मान लो कि मान लो कोई कंपनी है, मैंने एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, मान लो कंपनी ए बी सी, ठीक है, इसके मार्केट में 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, और 1 लाख शेयर्स कितने रुपए के, 100 रुपए के, ठीक है। तो 1 लाख × 100 कितना हो गया दोस्तों, 1 करोड़, कितना हो गया, 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ क्या हो जाएगा, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। आइए आपको बात समझ में, इस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द आइडियाथन लॉन्च बाय द सेबी टू प्रमोट इनोवेशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट। Options are there on your screen. Correct will be Manthan. पूरी बात करेंगे। SEBI has launched the Idea of Manthan for supporting new ideas and innovations in the securities market. Right? दोस्तों मैं बता दूं, दो टाइप के मार्केट होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट एक होता है, कैपिटल मार्केट एक होता है, आप लोग का क्या, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर होता है वो क्या, कौन होता है आपका, सेबी। और यहाँ पर मनी मार्केट का जो रेगुलेटर होता है दोस्तों वो इंडिया में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आईडीटन वॉज लॉन्च बाय द सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, है ना, इनका चेयरपर्सन का भी नाम ध्यान रखिएगा। और ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है, ये किया गया आपका बीएससी, एनएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, के फिनटेक और आपका कैंप्स, ठीक है। तो जैसे जो भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो या कुछ भी एमसीएक्स लिंक जो भी है, तो आप या तो उसको कैंप्स में आपको सारी डिटेल मिल जाती है, आप कोई भी अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल इन सारे पोजीशंस पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक हैज साइंड द एमओयू विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अंडर द CAPSP स्कीम टू ऑफर फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द सर्विंग एंड द रिटायर्ड पर्सनल, राइट। तो कौन सी बैंक है यहाँ पर जिसने MOU साइन किया है BSF के साथ अंडर दिस प्रोग्राम और स्कीम, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है, रिटायर्ड पर्सन को, रिटायर्ड गवर्नमेंट पर्सन को। कौन सी बैंक है बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा SBI, राइट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द BSF to provide solution for financial security to BSF personnel through the central armed policy salary package scheme, right? Benefits जो भी होंगे ये पूरे आपके family और pensioners को मिलेंगे, as well as family को भी मिलेंगे, family members को भी। This may include complimentary personal air accidental insurance, death cover भी होगा, और यहाँ पर दोस्तों on duty death पर भी आप लोगों को insurance मिलेगा। Partial अगर कोई disability होती है, total disability होती है, तो पूरी तरीके से support किया जाएगा child education को,
एंड द मैरिज ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड पीएसएफ पर्सनल अमंग अदर बेनिफिट्स, राइट। तो ये एक मोटा मोटा यहाँ पर आपको बेनिफिट्स का पॉइंट मिल जाएगा, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि एसबीआई ने इस एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया है, लेकिन ये सिर्फ बीएसएफ के लिए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी टू इंडिया टू सक्सीड इनकमबेंट हर्षवर्धन श्रृंगला। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला का कार्यकाल खत्म हो गया, तो इनके बाद किसको मनाया गया है दोस्तों, तो विनय मोहन कौट्रा, ठीक है। तो विनय मोहन जी को आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है कि आपका फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मिस्टर विनय करेंटली सर्विंग द इंडिया एनवॉय टू नेपाल फॉर मार्च 2020 एंड ही विल रिप्लेस हर्षवर्धन श्रृंगला एंड विल बी सुपर एनवेटेड ऑन April 30, 2022, राइट। इनकी पूरी बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1988 बैच IFA से बिलोंग करते, 32 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ इन्होंने PMO में भी काम किया है दोस्तों 2015 से 2017 में, एज वेल एज इंडिया के एम्बेसडर भी रह चुके हैं फ्रांस में फ्रॉम August 2017 to February 2020, राइट। तो ये इनका पूरा कार्यकाल है, पूरी इनकी हिस्ट्री है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्हें नया फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, हु इज द ऑथर ऑफ बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ऑप्शन ज्यादा है ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिलीजेस बुक टाइटल, बुक का नाम रिटन बाय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, ठीक। तो यहाँ पर आलोक चक्रवाल जी के द्वारा लिखी गई बुक, लेकिन रिलीज किसने की है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ये बुक रिटन राइट की गई है, मतलब ऑथर की गई है वाइस चांसलर ऑफ गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ आलोक चक्रवाल जी के द्वारा। ये बेसिकली दिखाएगा ये बुक जो है, इसका मेन मोटिव ये है कि ये फॉरवर्ड करेगा टू स्ट्रगल द भावन बिरसा मुंडा एंड कंट्रीब्यूशन टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द फ्रीडम मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं 8वें प्रश्न की दोस्तों, अ बुक ऑन रानी लक्ष्मीबाई टाइटल क्वीन ऑफ फायर हैज बीन रिटन बाय विच ऑथर। ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी देविका रंगचारी। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक बुक लिखी गई है और ये बुक को पेन डाउन किया किसने, देविका रंगचारी ने, ठीक है। द नोवेल इज ऑल्सो ऑल अबाउट द ब्रेव क्वीन एंड वॉरियर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, focusing on her journey as a queen, soldier and statesman, right? The book is meant to readers of age 13 to 17 and published by Penguin Random House of India in April 2021. Basically, बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों की राइटर है ये वैसे भी, और बच्चों के इमेजिनेशन को या फिर उनका अट्रैक्शन पाने के लिए इस बुक को लिखा गया है, ताकि उनको बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या क्या उन्होंने कॉन्कर किए, किस तरीके से उन्होंने करेज के साथ सारी लड़ाइयाँ लड़ी, ये बात करके यहाँ पर बच्चों को अब इस चीज़ का नॉलेज बढ़ाने के लिए इस बुक को यहाँ पर पेन डाउन किया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, विच डे मार्क एज अ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों के पास है, करेक्ट हो जाएगा April 5। तो इस दिवस को 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अब थीम पहले पढ़ेंगे, प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंस, ठीक है। अच्छा, इस दिन को मनाया जाता है टू रिमाइंड पीपल टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, फॉलो देयर कंसाइंस एंड डू द राइट थिंग्स। अपने इंट्यूशंस पर भरोसा रखो और अच्छे काम करो, राइट पाथ पर चलो। इसको 2022 में 3rd edition मार्क किया गया है, ठीक है दोस्तों, और 31st 2019 को पहली बार इसको 31st July 2009 को पहली बार इसको अडॉप्ट किया गया था इस दिवस को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड व्हिच डे टू बी ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीस। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी April 6। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों इस दिवस को मनाया किया जाता है टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ द स्पोर्ट व्हिच कैन ड्राइव सोशल चेंज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड द फॉस्टर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। इस दिवस को क्रिएट किया गया है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 23rd of August 2013 एंड सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिंस 6 April 2014। द डे कॉमेमोरेट्स द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑफ द मॉडर्न एरा इन एथेंस ग्रीस इन 1896, राइट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट इन पीस 2022 कब मनाया जाता है दोस्तों, 6 अप्रैल को। ये बात आपको इधर
क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, राइट। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।